गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड्स योर स्टडीज. टूडे वील स्टार्ट चैप्टर नंबर 22, द वर्ड इन माई होम. नाउ लेट्स स्टार्ट. टग ऑफ वॉर. वंस अगेन एवरीबडी इन मेरिटास फैमिली इज क्वेरलिंग ओवर वॉचिंग द टीवी, जस्ट लाइक दे डू एवरी डे. फिर से एक बार मेरिटा की फैमिली में सब क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं. क्या करते हुए? टीवी देखते हुए. मेरिटाज ब्रदर वॉन्ट टू वॉच अ क्रिकेट मैच वाइल लिटिल सुजैन इज ईगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स. और मेरिटाज का जो भाई है वो क्या चाहता है? क्रिकेट मैच देखना. और जो कि छोटी लिटिल सुजैन है उसे क्या देखना है? अपना फेवरेट प्रोग्राम, जो कौन सा है? सॉन्ग्स, यानी गाने का है. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. मम्मी और आंटी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं लेकिन उनके फेवरेट प्रोग्राम्स क्या है? अलग अलग हैं. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यू न्यूज़ वाइल आंटी इंजॉयज अ टीवी सीरियल. अब मम्मी को देखना क्या पसंद है? न्यूज़ देखना पसंद है. और आंटी को टीवी सीरियल देखना. मेरिटा वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून्स एंड डैडी इंजॉयज द फुटबॉल मैच. अब उसे खुद को तो कार्टून देखना है और डैडी को क्या देखना है? फुटबॉल मैच. और डैडी वो इंजॉय भी कर रहे हैं. सी हियर, यू कैन सी इन दिस पिक. ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. अब डैडी बोल रहे हैं कि टीवी वो कब देख सकते हैं? सिर्फ शाम को. फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. अब एंड में क्या हुआ? सबको जो पापा चाहते थे फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा. नाउ टर्न द पेज. वाई द डिफरेंस? क्यों है ये डिफरेंस? इट इज 7 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 7 बज चुके हैं. प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स. अब प्रतिभा जो है वो क्या कर रही है? इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. वो अपने फ्रेंड्स के घर से अपने घर के लिए जा रही है. और उसके भाई जो हैं संदीप और संजय वो क्या कर रहे हैं? फूड आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स. वो फुटबॉल देखो, एज यू कैन सी इन दिस पिक, खेलने में बिजी हैं. दे आर इन नो हरी टू गो होम. उनको कोई जल्दी नहीं है घर जाने की. इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कोल्ड देम. अगर वो लेट भी होते हैं तो भी उनको कोई नहीं डांटेगा. लेकिन प्रतिभा जो है 7 o'clock हो चुके हैं इवनिंग के, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के घर से अपने घर में जल्दी जल्दी जा रही है. प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर. अब प्रतिभा को लगता है ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो फेयर नहीं है. वाई शुड देयर बी नो रूल फॉर हर एंड अनदर वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स. दोनों के लिए अलग अलग रूल, अलग अलग नियम क्यों हैं? बट वॉट कैन शी डू. लेकिन वो कर ही क्या सकती है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पिल्लो आंटी. नाउ लेट्स रीड अबाउट दैट. One day, Pillow Auntie took Fali and Nazu and her friends to the beach. अब एक दिन आंटी लेके गई बच्चों को कहाँ पे? फाली और नाजू को बीच पे लेके गई. What a good time they had. उनको कितना अच्छा टाइम मिला होगा. बीच पे तो सबको ही मज़ा आता है. They played in sand and water and then went for a ride on the giant wheel. अब उन्होंने कहाँ पे खेला? Giant wheel, यानी वो गोल वाला जो होता है ना, मेले में लगा हुआ होता है, उस पे बैठे, मिट्टी में खेले, पानी में खेले. After that they ate भेलपूरी and bought balloons. अब खेलने के बाद उन्होंने क्या खाया? भेलपूरी. और क्या लेके आए? बैलून्स, गुब्बारे लेके आए. हियर यू कैन सी द पिक. देन एवरीबडी इंजॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फी. और उसके बाद सबने क्या इंजॉय किया? कुल्फी इंजॉय की. व्हेन द कुल्फी सेलर आस्क्ड फॉर मनी ही मेड अ मिस्टेक. जब कुल्फी सेलर, जो कुल्फी बेच रहा है, उसने पैसे के लिए पूछा, ही मेड अ मिस्टेक, तब उससे गलती हो गई. ही चार्ज फॉर 5 कुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7. तब उसने 7 की जगह 5 के ही पैसे लिए. द चिल्ड्रेन थॉट हुर्रे वी हैव सेव्ड मनी. अब बच्चों को क्या लगा? कि ये कुल्फी वाले ने तो गलती कर ली, तो हमने पैसे बचा लिए. बट पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर. लेकिन पिल्लू आंटी ने चीटिंग नहीं की,
उन्होंने कितने पैसे दिए, 7 के 7 कुल्फीज के ही पैसे दिए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट पिल्लो आंटी डिड दैट डे। अब बच्चों को ये बात हमेशा याद रहेगी दैट शी वॉज लॉयल, कि वो कितनी ईमानदार हैं। नाउ अगेन टर्न द पेज। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय को उसकी ग्रैंड मदर बहुत, अक्षय जो है वो बहुत प्यार करते हैं अपनी दादी माँ से, जैसे आप सब भी करते होंगे। शी लव्स हिम डेयरली टू। अब दादी माँ भी अक्षय को बहुत प्यार करती हैं। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। बहुत अच्छी अच्छी बातें वो उनके साथ शेयर करती हैं। अनिल इज अक्षय फ्रेंड। अब अनिल जो है वो अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू। अब अक्षय की ग्रैंड मदर जो है वो अनिल को भी पसंद करती हैं। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। अब एक जो बात है जो अक्षय की दादी माँ उसे बोलती हैं कि अनिल के घर पे कुछ भी खाना पीना नहीं है। अनिल्स हाउस नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक ग्लास पानी तक का नहीं पीना है। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर फैमिली, शी सेज। उन्होंने कहा कि वो हमारे परिवार से बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए वो उसे कुछ खाने पीने के लिए मना कर रही हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन अ बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। पासी के बड़े ग्राउंड में क्या था, वॉलीबॉल का मैच रखा हुआ था। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। उस दिन बहुत गर्मी थी और हर कोई मैच खेलने के बाद थक चुका था और क्या फील कर रहा था, वॉलीबॉल के मैच में बेटा आप जैसे जानते हो काफ़ी भागना पड़ता है, तो क्या फील कर रहे थे, थर्स्टी, प्यास लग रही थी। अनिल इनवाइटेड एवरीबडी होम, अनिल ने सबको घर पे बुलाया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट। अब अनिल की मम्मी ने सबको पानी दिया, पानी पिलाया और सबने पिया भी। When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. अब जैसे ही अनिल ने अक्षय को पानी का ग्लास पकड़ाया, उसे अचानक से याद आया कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने क्या मुझे समझाया है। As here you can see, अक्षय stared at Anil. अक्षय ने थोड़ी देर अनिल को देखा, not knowing what to do. अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, पानी पीऊँ या नहीं। Now come on the next page. Who will decide? कौन ये decide करेगा? ढोंडू comes from a very large family. ढोंडू जो है वो बहुत बड़ी family से आता है. His elder uncle looks after the family. उसके elder uncle जो हैं वो परिवार का ध्यान रखते हैं. Their fields, money matters, etc. उनके खेतों के बारे में, पैसों के लेन देन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। वही हर बड़ा और छोटा फैसला लेते हैं फैमिली को लेके, जैसे अपने सबके बड़े पापा ऐसे होते हैं ना बेटा, वो। ढोंडू हैज ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स। अब ढोंडू ने हमेशा खेतों में ही काम किया है, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। अब वो कुछ अलग करना जा रहा है। He would like to borrow some money from a bank and buy a chakki machine to grind grain. Now what he wants to do? अब वो कुछ अलग तो करने जा रहा था, लेकिन क्या, मनी, पैसे जो हैं बैंक से लेके क्या स्टार्ट करने जा रहा था, बाय, वो क्या खरीदने जा रहा था, एक चक्की मशीन खरीदने जा रहा था। देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज, पूरे गांव में ऐसी कोई मशीन ही नहीं है। धोंधू इज कॉन्फिडेंट दैट This new work will help him earn more money for his family. अब वो इतना ज़्यादा confident, उसे अपने आप में इतना विश्वास था कि ये काम अगर मैं, नया काम जो मैं है वो स्टार्ट कर दूँगा तो उससे इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, फैमिली में पैसे ज़्यादा आएंगे। Father has agreed to let him try the new work. अब उसके पापा ने भी ये एक नया काम करने के लिए उसे परमिशन दे दी है। But his elder uncle is not agreeing to this. लेकिन जो उसके एल्डर अंकल हैं, जिसे हम बड़े पापा बोल सकते हैं, वो अभी मना कर रहे हैं। नाउ टर्न द पेज। आई डोंट लाइक इट, मुझे अच्छा नहीं लगा।
अब चलो पढ़ते हैं कि क्या अच्छा नहीं लगा। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। कम ऑन कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना पुलिंग रितुज बाय द हैंड। अब दोनों खेलने के बाद अपने अपने घर जा रहे थे तो मीना ने रितु का हाथ पकड़ के बोला, चलो मेरे साथ मेरे घर पे चलो। इज योर अंकल एट होम? क्या आपके अंकल घर पे हैं? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर्ड। रितु ने कहा कि अगर वो आ जाएंगे आपके घर पे, आपके अंकल बैठे होंगे, तो मैं नहीं चलूँगी। बट वाई डू यू से दैट? लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? अंकल लाइक्स यू, अंकल तो आपको पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। वो कह रहे थे कि अपनी फ्रेंड को लेके आना घर पे रितु को, तो मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग, आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल, आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेज माई हैंड। सेइंग दिस रितु वेंट होम। अब रितु ने कहा, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपके अंकल जब मुझे हाथ भी लगाते हैं। तो ये बोल के वो अपने घर पे चुपचाप से चली गई। इन दिस लेसन ईच एंड एवरी स्टोरी इज़ डिफरेंट। इस लेसन में हर एक स्टोरी अलग है, डिफरेंट है। और जो आंसर्स क्वेश्चंस आप देख रहे हो उनके आंसर्स आई विल सेंड यू द पिक। मैं आपको पिक सेंड करूँगी क्योंकि टेक्स्ट बुक में बेटा स्पेस नहीं दी हुई है। नाउ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस लेसन इज़ एक्सप्लेन्ड टू यू। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन रीड द लेसन ट्वाइस एंड वॉच द वीडियो ट्वाइस। आपका होमवर्क ये है कि आपको वीडियो टू टाइम्स देखना है और लेसन की रीडिंग आपको एटलीस्ट टू टाइम्स करनी है। The question answers, I'll send you the pic so that you can zoom it and note it down in your notebook in good handwriting. Thank you, beta. Have a nice day.